तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अच्छा तो मेरे पीठ पीछे समोसे खाए जा रहे हैं। मैं आपका वजन कम रखने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और आप है कि मेरे सारे मेहनत पे पानी फेर रहे हैं। अंजलि आंटी, इसमें तारक अंकल की कोई गलती नहीं है। अच्छा बोली, क्या बोल रहे हो तुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा था कि इसमें मेहता अंकल की गलती नहीं है, समोसे तो हमला है। हाँ लेकिन मंगवाए तो इन्होंने ही होंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने नहीं मंगवाए थे, हम ही लेकर आए। हमने सोचा मेहता अंकल बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, इसलिए समोसा पार्टी करते हैं। आप प्लीज मेहता अंकल पे गुस्सा मत कीजिए, प्लीज। हाँ जी आंटी, प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है आपके डर से मेहता अंकल तो समोसा खा भी नहीं रहे थे। हाँ वो तो हमने उन्हें खाने का लालच दिया, जिद की, तभी जाके उन्होंने खाया। ए गोली खाया कब? मैं सिर्फ हाथ में लेके समोसे की खुशबू ले रहा था। पूरा का पूरा समोसा वैसे ही रखा हुआ है, वो देखो। प्लीज अंजलि आंटी, आगे से हम लोग नहीं खिलाएंगे, लेकिन आज तो खाने दीजिए। हाँ प्लीज। अब ठीक है, तारक समोसा खा सकते हैं। लेकिन 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 तारक के हिस्से का करेले का जूस और लौकी की कोफ्ते टप्पू सेना खाएगी। सेना भी ना, अरे क्या समोसा खा भी लिया? अंजलि से पहले तुम अपना माइंड चेंज करो, मैं पूरा समोसा खा गया। आप भी ना, बच्चों से कम नहीं है आप। अरे अंजलि, समोसा खा के तो मजा आ गया। अरे ये सब में तो मैं आपको जरूरी बात बताना ही भूल गई। क्या? एक्चुअली आपके बड़े भाई साहब का फोन आया था, वो आपका फोन ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था तो उन्होंने मुझे किया। उन्हें एक जरूरी बात कहनी थी। क्या बात होगी अंजलि, बोलो बोलो, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आप बैठिए मैं बताती हूँ। बाबा बैठ गया, अब तो बताओ क्या बोले भाई साहब। भाई साहब ने बताया कि कल पापा का श्राद्ध है। हाँ अंजलि, वो मुझे पता है, हर साल बड़े भाई साहब पापा का श्राद्ध करते हैं। हाँ लेकिन इस साल वो नहीं कर पाएंगे। श्राद्ध नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्या हुआ भाई साहब को? नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तो फिर वो श्राद्ध क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि भाई साहब अमेरिका गए हैं किसी काम से और वहाँ वो किसी काम में अटक गए, इसलिए वो इस साल पापा का श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। अच्छा तो अब? भाई साहब ने कहा है कि कल पापा का श्राद्ध आपको करना है। मुझे श्राद्ध करना है? हाँ, पापा के श्राद्ध की जिम्मेदारी आपको दी है उन्होंने। भगवान, इस साल पापा के श्राद्ध करने का और उनकी सेवा करने का मौका आपने मुझे दिया। पापा मैं आपको बहुत मिस करता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं, आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी डांट, आपकी सीख की वजह से। तुम जानती हो अंजलि, पापा इतना कुछ सहते थे लेकिन हम पर कभी कोई आंच नहीं आने देते थे। हर साल दिवाली पर हम बच्चों के लिए नए कपड़े आते थे लेकिन खुद वो 4-5 साल पुरानी बस वही शर्ट पहना करते थे। अरे चल चल के उनकी चप्पलें घिस गई थी लेकिन हर साल हमारे स्कूल के लिए नए जूते आया करते थे। उन्होंने यही उंगलियां पकड़कर पहले अपने पैरों पर चलना सिखाया, फिर डांटकर अपने पैरों पर खड़े होना सिखाया। हीरो थे मेरे वो हीरो, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए ना, अपने उस हीरो को अपना विलन समझने लगे। वो कभी भी किसी चीज को करने के लिए रोकते थे, टोकते थे तो हमें हमारे सबसे बड़े दुश्मन लगते थे। जब मैं कॉलेज में आया तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा और उसी समय पापा के साथ मेरी बहुत तूतू-मैं-मैं हुआ करती थी और वो बेचारे हार के हमेशा मुझे मेरे मन की करने देते थे।
लेकिन एक बात तो सच है, अंत में वो ही हमेशा सही साबित हुआ करते थे। हमें जिंदगी में बहुत लेट समझ में आता है कि पापा है हमेशा सही होते। वो तो है महकुश। चाचा जी आइए ना, आइए बैठिए ना। हाँ बैठ बैठ, तू भी बैठ। पापा कभी भी गलत होते ही नहीं, वो हमेशा सही ही होते। आज अचानक उनकी याद कैसे आ गई? दरअसल कल उनका श्राद्ध है और पहली बार मैं करने वाला, तो बस उनकी कुछ पुरानी बातें याद आ गई। चाचा जी ऐसा लगता है कि बस कल की ही बात है जब वो मुझे और मेरे बड़े भाई को अपने स्कूटर पे बिठा के हमारे स्कूल छोड़ने जाते थे, और रास्ते में ना हम खूब सारे गप्पे लड़ाते थे। फिर जैसे जैसे बड़े हुए, पढ़ाई, करियर, नौकरी, इन सब के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब पिताजी के साथ गप्पे छूट गए और सिर्फ दो टूक बातें होने लगी। और उनके जाने के बाद वो भी बंद हो गए। यही तो है महतुस, जब बड़े बुजुर्ग हमारे आसपास होते हैं ना, तब हमें उनकी कदर नहीं होती, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो हमें उनकी कमी बहुत महसूस होती है। जीते जी उनको वक्त देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन उनके जाने के बाद उनको वक्त देने के लिए हम तरसते हैं। चाचा जी मुझे आज भी याद है, जब मेरी पहली नौकरी लगी थी ना, तो मेरे पिताजी ने मेरे माथे को 2 मिनट तक चूमा था। खुशी इतनी थी कि उनकी आंखें भर आई थी। हर रिश्तेदार को फोन करके उन्होंने बताया था कि मेरा बेटा नौकरी पर लग गया है। और जब शाम को मैं थक हार के काम से वापस आता तो मेरा सिर अपनी गोद में लेकर वो सहलाने लगते। कई बार तो मैं वहीं सो जाता और सारी थकान और चिंता बस यूं ही दूर हो जाती। सच कहूं चाचा जी, जब आप जेठालाल को डांटते हो ना, तो मुझे मेरे पिताजी की याद आती है। वो भी मुझे ऐसे ही डांटते थे, लेकिन अब वो डांट कभी सुनने नहीं मिलेगी। बस वो किस्से, कहानी और यादों में ही जिंदा रहेंगे। अच्छा, मतलब तू मुझे अपना पापा नहीं मानता, बराबर ना? अरे मैं सिर्फ जेठिया का ही नहीं, तेरा भी बापूजी हूँ, समझा? अरे नहीं नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल आप जेठालाल के साथ हो तभी तो वो इतना भाग्यशाली है, उसे आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, आपकी सेवा करने का मौका मिलता है। तो उसमें क्या है, तू भी मेरी जम के सेवा कर। बोल क्या सेवा करेगा मेरी? हाँ बस ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए महतुस, क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे ना तो जाने वाले की आत्मा भी दुखी रहेगी। इसलिए उनकी खुशी के लिए हमें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, समझा? वैसे आपने बात तो बिल्कुल सही कही चाचा जी, हम खुश तो वो खुश। चलो अजी बेटा, मुझे घर की चाबी दे दे, मैं जाता हूँ घर। चाचा जी चाय लेकर आओ। अरे नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। और मैं तो तुझे कभी भी अपने पापा की याद आए ना तो मुझे फोन कर लिया, मैं तुझे इतना डांटूंगा ना कि तुझे अपने पापा याद आ जाएंगे। ठीक है। हाँ ये लीजिए चाबी। हाँ मैं चलता हूँ। जी तारक, पापा के श्राद्ध के लिए कुछ सोचा है? क्या करना है, कैसे करना है? ये सब मुझे नहीं पता अंजलि, इतने सालों से भाई साहब ही करते आ रहे थे तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। अब वैसे पता लगाना इतना मुश्किल भी नहीं है, अभी इंटरनेट से पता लगा लेती हूँ। अरे नहीं नहीं अंजलि, इंटरनेट से पता मत लगाओ, क्या पता कोई आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हो। ऊपर से वो सही है कि गलत है कैसे पता चलेगा, और मैं पापा का श्राद्ध पहली बार कर रहा हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ सब कुछ सही से हो। तो फिर किससे मिलेगा श्राद्ध का ज्ञान? ज्ञान तो शिक्षक से ही मिलता है, अभी विड़े को फोन करता हूँ, उसको ये सारी जानकारी होगी। गुड नाइट।
दिनेश भाई मैंने 2 बार पैसे गिने हैं, आपने पैसे कम दिए हैं। 2 किलो अचार के पैसे कम है इसमें। भिड़े बाबू, आपका हिसाब भी तो गलत हो सकता है ना। सवाल ही पैदा नहीं होता, शिक्षक हूँ मैं शिक्षक, मेरा हिसाब गड़बड़ हो ही नहीं सकता। ठीक है शिक्षक साहब, एक काम करो, ये मेरी बुक चेक करो, हिसाब किधर गड़बड़ है मुझे बताओ। हाँ बताता हूँ, ये पकड़ी। ये देखो, यहाँ पे 3.5 किलो की जगह 2.5 किलो का नींबू अचार लिखा है आपने। हाँ बोलिए मेहता साहब। कहाँ हो एक मेव सेक्रेटरी साहब, आपकी मदद की जरूरत है। कुछ अर्जेंट है क्या? हाँ, वो कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है। ये गलत है। इसमें गलत क्या है, श्राद्ध का महीना ही चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं दुकान में हूँ ना, तो दुकान वाले से बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा ठीक है। अब ये देखो, आम का अचार आपने 2.5 किलो की जगह 2 किलो का लिखा हुआ है। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ तो मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मुझे श्राद्ध की कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें जानकारी है ना? हाँ है ना, पूछिए ना। तो ठीक है फिर, बताओ क्या करना है। तुम जैसे बताओगे मैं वैसे ही करूंगा, और हाँ मैं सब कुछ लिख लेता हूँ। 3 किलो मिर्ची। अरे भिड़े, श्राद्ध में इतनी सारी मिर्ची का क्या काम? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, मैं तो दुकान वाले से बात कर रहा था। अच्छा सुनिए ना मेहता साहब, मैं अभी दुकान में और थोड़ा सा बिजी हूँ, हम लोग रात को सोडा शॉप पे मिलके आराम से बात करें। तो ठीक है, शाम को अब्दुल की दुकान पे मिलते हैं और फिर वहीं बात करें। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं। अरे क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, उसने कहा कि शाम को अब्दुल की दुकान पे मिलेगा और वहीं पे सब कुछ डिटेल में बता देगा। देखिए अभी आप चेक कीजिए हिसाब। मान गया भिड़े भाऊ, आपने सही कहा था, शिक्षक का हिसाब कभी गलत नहीं होता। माँ आपका हिसाब बरोबर है। माँ दीजिए अभी वो हिसाब के पैसे दीजिए मुझे। हाँ एक सेकंड। ओए अब्दुल मियां, वो किस शुभ घड़ी का इंतजार कर रहे हो? सोडा पिला यार। हाँ अरे सोडी भाई, मेहता साहब नहीं आए अभी तक। तो करेक्ट है जी। लो जी, वो मेहता साहब का नाम लिया, मेहता साहब हाजिर है। आ गए आ गए, आइए 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 भाई, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए। हेलो मैं अब्दुल, आ गए अपने मेहता साहब, अब बना नींबू सोडा। हाँ अब्दुल मेरे लिए सोडा मत बनाना। क्यों, क्या हुआ मेहता साहब, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? कुछ नहीं आदि भाई, बस सोच रहा हूँ कि श्राद्ध कैसे करूं। श्राद्ध? किसका श्राद्ध? मेरे पिताजी का। अरे मेहता साहब, आज के पहले आपको कभी देखा नहीं श्राद्ध करते हुए। दरअसल मेरे बड़े भाई साहब ही मेरे पिताजी का श्राद्ध करते थे, लेकिन अब वो अमेरिका में किसी काम में फंसे हुए हैं, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुझे दी। मैं भी अपने पिताजी का श्राद्ध करना चाहता हूँ, लेकिन पूरी विधि के साथ। तो भिड़े बताओ ना, ये श्राद्ध कैसे करते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं, जिसमें हम अपने पितरों की पूजा करते हैं। भिड़े भाई, पितृ मतलब? पितृ मतलब हमारे माँ बाप, दादा परदादा, हमारे वो सारे पूर्वज जो इस वक्त हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, हम उनको याद करते हुए उनका श्राद्ध करते हैं। और पितृ भी इस समय जहां भी है, वो ये देख के खुश हो जाते हैं कि उनका परिवार उनको याद कर रहा है। ऐसा ज्ञान तो एक शिक्षक ही दे सकता है। अरे हम साइंटिस्ट लोग भी ये श्राद्ध में मानता है, हमारे देश का संस्कृति ऐसा है, एकदम वैज्ञानिक तरीके से बना है। सच कहूं अय्यर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश की संस्कृति के सामने सारा विज्ञान फीका है। सही बात है। वैसे भिड़े बताओ तो सही कि श्राद्ध करते कैसे? आसान है मेहता साहब, सुबह जल्दी उठ के नहा के अपने पितरों की पूजा अर्चना करो और फिर कौवे को खाना खिला दो। कौवा? कौवा क्यों, पोपट क्यों नहीं? हाथी भाई, मैंने पोपट बोला, पोपट लाल नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि कौवा ही क्यों, बाकी पक्षी क्यों नहीं? कौवे का खास महत्व होता है हाथी भाई, क्योंकि कौवा पितरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कौवे को खाना खिलाते हैं। और श्राद्ध तभी पूरा माना जाता है जब कौवा आपका दिया हुआ खाना खाए।
समझे आते भाई? हाँ। वैसे खाने में क्या बनाते हैं? कुछ भी, मतलब जो भी आपके पिताजी को पसंद है वो बना सकते हैं। हलवा, पूरी, खीर, सब्जी, भजी। हाँ हाँ, बनाइए बनाइए। तो आती भाई, श्राद्ध का खाना बनाना है। हाँ, मैं श्राद्ध के लिए कह रहा हूँ, बनाइए। हाँ अच्छा, मैं ठीक। अच्छा तो मैं पंडित जी को बुलवा कर श्राद्ध की विधि करवा सकता हूँ ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब वैसे लास्ट मिनट पे पंडित जी मिलेंगे कहाँ से? उसका टेंशन आप मत लीजिए मेहता साहब, मेरे पहचान के पंडित जी है, मैं उनको कल लेके आऊंगा, वो सारी तैयारी कर देंगे। वाह क्या बात। अरे वाह भिड़े, तुमने तो मेरी पूरी की पूरी टेंशन दूर कर दी। अब मैं पिताजी का श्राद्ध पूरी श्रद्धा के साथ और पूरी विधि के साथ कर पाऊंगा। हाँ मेहता साहब, अब तो सोडा बनाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बनाओ बनाओ। दे भाई, दे दे दे, लाओ लाओ लाओ। हाँ भाई चलो। भाई वाह वाह अब्दुल, बाद आ गए अब्दुल मियां। चलो चलो मैं चलता हूँ। अंजलि को बताना पड़ेगा कि कल श्राद्ध के लिए डाइट फूड नहीं चलेगा, पिताजी का फेवरेट खाना बनाना पड़ेगा। चलो चलो, हम लोग कभी हो ही गए। अंजलि, भिड़े ने बता दिया कि पापा के श्राद्ध के लिए क्या करना है। अच्छा फिर बताइए ना क्या करना है। कल सुबह भिड़े पंडित को लेकर आएगा, उसके बाद पूजा होगी, उसके बाद हमें कौवे को खाना खिलाना है। जो पापा की फेवरेट डिशेस थी वो, डाइट वाला नहीं। पता है तारक, मैं पापा के पसंद का खीर, हलवा, भजिया, पुलाव सब बनाऊंगी। पापा आप आज भी मुझसे कितना प्यार करते हैं, आपके आशीर्वाद की वजह से मुझे ये सब कुछ खाने मिलेगा कल। क्या किया कहा आपने? नहीं मेरा मतलब है कि देखो, तुम इतने तरह के पकवान बनाओगी मेहनत करके तो मैं थोड़ा सा चख लूंगा। बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अरे क्यों, क्या क्यों? आपको अपनी हेल्थ की फिक्र ना हो, पर मुझे है। आज ही सुबह को समोसे खाए थे ना, कल फिर से तला हुआ खाएंगे। मेरे पापा बहुत भाग्यशाली थे। क्यों? मेरी मम्मी उन्हें खाने पीने के लिए रोकती टोकती नहीं थी। ठीक है फाइन, मैं भी आज के बाद आपको कुछ भी खाने से नहीं रोकूंगी। फिर बाद में मत कहना अंजलि मुझे एसिडिटी हो रही है, दवाई दे दो। मेरे पास मत आना। हाँ तो ठीक है, नहीं आऊंगा। लेकिन अगर तुम पे प्यार आए तो आ सकता हूँ ना। अंजलि जब तुम ऐसे गुस्सा करती हो ना, मुझे तुम पे बहुत प्यार आता है। इतना प्यार आता है तो मेरी बात मान क्यों नहीं जाते? तारक आपको पता है ना मुझे आपकी हेल्थ की कितनी फिक्र रहती है, और आप है कि आप अपने डाइट पर जरा भी कंट्रोल नहीं करते। अच्छा ठीक है, अब के बाद से तुम जो भी बोलोगी वही करूंगा और जो बोलोगी वही खाऊंगा। That's like my husband. वैसे तारक जब आप ऐसे गुस्सा होने का नाटक करते हैं ना तो और भी क्यूट लगता है। जिंदगी प्लीज 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 खाने दो ना, थोड़ा सा खाने दो ना यार, थोड़ा। अच्छा अच्छा ठीक है, कल जो मन चाहे खा लेना। सच? थैंक यू। लेकिन 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 अगले 15 दिनों तक स्ट्रिक्ट डाइट। क्या बात है, आप तो बहुत समझदार हो गए हो। गुड गुड। तारक अब क्या हुआ? कुछ नहीं अंजलि, वो पहली बार पापा का श्राद्ध कर रहा हूँ ना तो थोड़ा टेंशन में हूँ, सब कुछ ठीक से हो जाए। अरे आप टेंशन मत लीजिए, पापा का श्राद्ध अच्छे से हो जाएगा। चलो अब सो जाते हैं, कल सुबह उठ के श्राद्ध की तैयारी जो करनी है। वाह भाई वाह, पूरा का पूरा समोसा खा लिया, कोई सजा भी नहीं मिली और अंजलि की अदालत से बाइज्जत बरी भी हो गया। वाह समोसा मेरे पिताजी को बहुत पसंद था। कल मेरे पिताजी का श्राद्ध, और दोस्तों सबके पापा की तरह वो भी मेरे हीरो थे, मेरी दुनिया थे, जिन्होंने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, अच्छा जीवन जीने की सीख दी,
कल पापा के श्राद्ध करने की जिम्मेदारी पहली बार मेरे कंधों पर आई है और मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। मगर प्रॉब्लम यह है कि मुंबई जैसे बिजी शहर में काम की भाग दौड़ में मैं रीति रिवाज से बहुत दूर हो गया। काम के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं, और सच कहूं तो श्राद्ध कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। ये तो भला वो भिड़ेगा कि उसने मुझे श्राद्ध के बारे में सब कुछ बता दिया, मगर अब भी बहुत नर्वस हूँ कि पिताजी का श्राद्ध ठीक से होगा या नहीं होगा, और अगर नहीं हुआ तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बार मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज मेरा साथ देने आइए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए और हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।